और अब खबरें विस्तार से। रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को सीज करने के मामले में आज रूफटॉप संचालक यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मिलने पहुंचे। रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को लेकर नियमों में छूट की मांग को लेकर पहुंचे रेस्टोरेंट्स संचालकों ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से गुहार लगाई। हालांकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मामले में संचालकों को दो टूक जवाब दिया। रेस्टोरेंट संचालकों का कहना था कि फायर एनओसी लेने और बिल्डिंग बायलॉज में रियायत दी जाए, जिस पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि लोगों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि मंत्री धारीवाल ने 22 नवंबर तक किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं होने का आश्वासन दिया है। साथ ही रेस्टोरेंट्स संचालकों को एक महीने के भीतर फायर एनओसी और बिल्डिंग बायलॉज के तहत परमिशन लेने के लिए एफिडेविट के आधार पर छूट देने का वादा किया। सुरक्षा से कोई समझौता भी नहीं होगा, कल से कोई हादसा हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार भी ये होंगे, और ये एफिडेविट देंगे जिसमें ये अंडरटेकिंग देंगे कि हम इतने इतने टाइम के अंदर अंदर सारा फायर की एनओसी ले लेंगे, और इसके अलावा भी दूसरी जो जितनी भी एनओसी लेनी है वो सब ले लुवा लेंगे। कोई पक्का कंस्ट्रक्शन ऊपर रूफ टॉप पर नहीं रहेगा, अगर रहता है तो उसको JDA या नगर निगम जिसका भी क्षेत्र होगा वो तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या जो सीज हो चुकी है उनके बारे में मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है। देखिए, शांति धारीवाल जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि एक बड़ी समस्या, उसके बारे में उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक उसको सुना और उस पर यह अश्योर किया कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी जिससे रोजगार छिनता हो, लेकिन नियम कायदे कानूनों का पालन करना ये सबकी जिम्मेदारी है। रेस्टोरेंट वाले हों चाहे दूसरे व्यापारिक संस्थान हो, जो नियम कायदे कानूनों का पालन करने की इच्छा रखेगा उसके साथ सरकार सहानुभूति रखेगी। कि टेम्परेली कनेक्शन, टेम्परेली जो शेड वगैरह वो तो रख सकते हैं, परमानेंट नहीं करेंगे, और जो भी नियम से में आएंगे उसका वो हम पालन करेंगे और शपथ पत्र लेंगे वो भी देंगे, और आगे के लिए राहत देने के लिए जो महेश जोशी जी ने और UDH मंत्री शांति लाल जी ने जो आश्वासन दिया उसके लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद।